हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोनालिसा फौजदार एंड माय स्कूल नेम इज़ सालकिया सिबिक्रम बालिका विद्यालय एंड माय ट्रेनिंग प्रोवाइडर नेम इज़ ओडियन एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड। हम लोगों का आज का टॉपिक है माइक्रोवेव ओवन रिपेयरिंग एंड उसका मेंटेनेंस। तो इनमें से हम लोग एक पॉइंट को कवर करेंगे कि माइक्रोवेव जो पार्ट है माइक्रोवेव ओवन का, जो जितना सारा पार्ट्स है उसके बारे में बात करेंगे और उसका असेंबलिंग एंड डिसअसेंबलिंग कैसे होता है उसके बारे में भी बात करेंगे। यहीं पे एक माइक्रोवेव ओवन का पिक्चर दिखाया जा रहा है जो हम लोगों के बहुत ही जान पहचान सा है, ये हम लोग घर में भी है, तो इसका एक फ़ोटो यहीं पर दिखाया जा रहा है। तो हम लोगों के लिए ये जानना ज़रूरी है कि माइक्रोवेव ओवन है क्या। आजकल के दिन में हम लोगों के डेली लाइफ में एक इंटीग्रल पार्ट ही बन गया है हाई टेक्नोलॉजी। तो ये माइक्रोवेव ओवन होता है कुकिंग के लिए एक हाई टेक्नोलॉजी का कुकिंग डिवाइस। जो माइक्रोवेव ओवन यूज़ करते हैं एक नेचुरल फिनोमेना, उसका जो एनर्जी लगते हैं ये एक नेचुरल फिनोमेना है जो बहुत दिनों से ये एग्जिस्ट करते हैं। एकदम यूनिवर्स जब सृष्टि हुए थे तब से ये था, मगर आजकल का जो लोग, मतलब हम लोग इसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं, इसी एनर्जी का जो फॉर्म है इसको अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं बस, मगर ये जो एनर्जी था ये पहले से ही था। माइक्रोवेव ओवन का डिफरेंट पार्ट्स, ये जो पार्ट्स होता है, पार्ट्स मतलब मैक्सिमम बात करते हैं ये इंटरनल पार्ट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि आउटर पार्ट में तो उतना ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एक मतलब कवर है और प्लग पॉइंट कुछ है बस वही, मगर इंटरनल बहुत सारा चीज़ है। जैसे यहाँ पे 9 चीज़ है, 9 इंटरनल पार्ट से बना होता है माइक्रोवेव ओवन। जैसे फर्स्ट होता है मैग्नेट्रॉन जिसका, सेकेंड होता है थर्मोस्टैट, थर्ड होता है इनपुट पावर सप्लाई, फोर्थ होता है हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर, फिफ्थ होता है हाई वोल्टेज कैपेसिटर, सिक्स होता है रिले, सेवन्थ होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जिसको हम लोग PCB भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में ये ज़रूरी है। उसके बाद है 8th होता है फ्यूज़, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कोई भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हाई वोल्टेज करंट से अचानक अगर हाई वोल्टेज करंट आ जाते हैं तो उसी को बचाते हैं, उसी डिवाइस को उसी करंट से बचाते हैं। और उसमें एक होता है कूलिंग फ़ैन, जो अगर माइक्रोवेव चल रहा हो तो इसमें बहुत गर्म हो जाते हैं अंदर जो इंटरनल पार्ट है, तो उसको ठंड रखने के लिए ये कूलिंग फ़ैन यूज़ होता है। यहीं पे दिखाया जा रहा है माइक्रोवेव ओवन का इंटरनल पार्ट्स जितना सारा है, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, मेगाट्रॉन है, कूलिंग फ़ैन है, हाई वोल्टेज कैपेसिटर है, हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर है, कुछ डायोड है हाई वोल्टेज वाला, ऐसा कुछ है। असेंबलिंग एंड डिसअसेंबलिंग ऑफ माइक्रोवेव ओवन, मतलब हम लोग माइक्रोवेव ओवन को कैसे फिट करेंगे और कैसे इसको खोलेंगे, इसका प्रोसेस तो एक ही होता है, हम लोग कैसे लगाएंगे और किसको कैसे इसको डिसअसेंबलिंग करेंगे, मतलब खोलेंगे। तो इसमें हम लोगों को जो मटेरियल रिक्वायर्ड होता है, तो मल्टीपर्पज़ स्क्रू ड्राइवर ज़रूरी होता है। मल्टीपर्पज़ स्क्रू ड्राइवर मतलब एक स्क्रू ड्राइवर से अगर हम लोग बहुत सारा काम करते हैं तो इसको मल्टीपर्पज़ स्क्रू ड्राइवर बोलते हैं, और माइक्रोवेव ओवन भी ज़रूरी है। हम लोग अभी देखेंगे कि प्रोसीड्योर ऑफ असेंबलिंग एंड डिसअसेंबलिंग ऑफ माइक्रोवेव ओवन, मतलब क्या क्या प्रोसीड्योर है। यहीं पे 3 प्रोसीड्योर होता है, तो ये जो स्टेप्स हैं 3 प्रोसीड्योर हैं, 3 प्रोसीड्योर क्या क्या है इसको असेंबलिंग करने के लिए और इसको डिसअसेंबलिंग करने के लिए, मतलब लगाने के लिए इसको फिट कैसे किया जाए, और अगर कुछ गड़बड़ हो, कुछ रिपेयरिंग की बात हो या कोई मेंटेनेंस की बात हो तो उसको खोल के देखना ज़रूरी होता है। तो इसीलिए खोल के उसका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने के लिए ये डिसअसेंबलिंग मतलब खोलना भी ज़रूरी है। तो हम लोग जैसे इसको लगाएंगे उसी तरह इसको खोलेंगे। तो ये 3 स्टेप होता है, पहले अनस्क्रू करना पड़ेगा, मतलब स्क्रू को खोलना पड़ेगा,
जितना सारा हाउसिंग स्क्रू है उसमें लगाया हुआ स्क्रू है उसको खोलना होगा। फिर उसका जो बैकवर्ड में डिटेक्ट है उसको भी मतलब ठेक देना होगा, एक तो उसको पोस करना होगा। थर्ड में जो इंस्टॉलेशन होता है तो वो रिवर्स करना होगा, एवब इस मतलब इलस्ट्रेशन जो होता है इलस्ट्रेशन में एवब जो बोला गया है उसका रिवर्स करना होगा। उसके बाद हम लोग जो जो करेंगे वहाँ पे एक टर्न ऑफ एज होता है स्लीप, उसको फॉरवर्ड में मतलब कैविटी कॉम्बिनेशन में उसको लगाएंगे। उसके बाद हम लोग अटेंशन देंगे उसको फिट करने में, मतलब बोथ साइड जो होता है हाउसिंग में जो बोथ साइड का जो फिटिंग होता है उसको नज़र देंगे। उसके बाद हम लोग एज को मतलब टर्न ऑफ करेंगे वो कैविटी कॉम्बिनेशन के लिए। थैंक यू।